नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है HBSC क्या होता है और HBSC के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। हम एयर कंडीशनिंग का तो पता ही है, लगभग हर आदमी के घर में AC वगैरह रहता है तो पता चल जाता है एयर कंडीशनिंग क्या है, लेकिन HBSC का मैटर आता है तो लोग कंफ्यूज जाते हैं HBSC क्या है। तो आइए इसी टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं। देखिए HBSC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ये इसके तीन पार्ट होते हैं, पहला पार्ट हीटिंग हो गया, दूसरा पार्ट जो हो गया अपना वेंटिलेशन हो गया, और तीसरा जो है वो लगभग सबको पता ही है एयर कंडीशनिंग होता है। अब रही बात हीटिंग की, तो हीटिंग यूज कहाँ होता है, ये जो हीटिंग नाम आया वो इसका यूज कहाँ होता है और HBSC में इसका कहाँ उपयोग है। तो देखिए, मान लीजिए हमारे इंडिया में तो थोड़ा ये सर्दी के सीज़न में ही ज़्यादातर इसका यूज होता है, लेकिन विदेश वगैरह में बहुत से जगह ऐसे है जहाँ पे 12 महीने पूरा ठंडी ठंडी रहती है, तो ऐसे जगह पे वहाँ पे AC की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे हीटिंग सिस्टम काम करता है, ठीक है। दूसरा हो गया वेंटिलेशन। देखिए बहुत सारी बिल्डिंगें हैं जहाँ पे एयर सर्कुलेशन चाहिए। अब जैसे हाई राइज बिल्डिंग है, मान लो 50 फ्लोर, 60 फ्लोर, 80 फ्लोर, तो वहाँ पे क्या है एयर सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, प्रॉपर एक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती है, तो वैसे जगह पे क्या है वेंटिलेशन सिस्टम लगाया जाता है ताकि फ्रेश एयर वहाँ पे पहुँच जाए और एग्जस्ट भी होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बॉडी छोड़ता है तो एग्जस्ट भी करना रहता है, तो ये फ्रेश एयर और एग्जस्ट देने का जो प्रोसेस होता है, नॉर्मल प्रोसेस जो होता है उसको वेंटिलेशन सिस्टम बोलते हैं, तो वहाँ से ये वेंटिलेशन शब्द है। तीसरा हो गया एयर कंडीशनिंग। अब एयर कंडीशनिंग जो है ये तो लगभग सबको ही पता है एयर कंडीशनिंग क्या होता है, जो अपने रूम है उसको ठंडा करने का जो प्रोसेस है उसको एयर कंडीशनिंग बोलते हैं, कहीं भी बड़ा बिल्डिंग हो गया, मॉल हो गया, ये सारी जगहों पे एयर कंडीशनिंग सिस्टम काम करता है, तो ये हो गया। अब दोस्तों हम बात करते हैं HVAC सिस्टम का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए HVAC का जो यूज है वो अपना रेजिडेंशियल, कमर्शियल बिल्डिंग में, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स वगैरह में भी होता है, इसके अलावा हॉस्पिटल्स हो गए, मॉल्स हो गए, और प्रॉपर घर वगैरह में भी नॉर्मली यूज करता है आदमी, होटल्स वगैरह है उसमें भी यूज होता है। मतलब मैक्सिमम अभी के टाइम में तो गर्मी के सीज़न हो या ठंडी का सीज़न हो तो मैक्सिमम HVAC सिस्टम का तो यूज हर जगह ही हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए ज़रूर, और ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी करिए ताकि ऐसे ही और भी नॉलेजेबल वीडियो हम आपके लिए डालते रहें। धन्यवाद दोस्तों।